अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो वेलकम हो चुका है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऋषिज किचन में। और आज ऋषिज किचन में मम्मी क्या बनाने वाले हैं, तो मम्मी से पूछ रहे थे तो आज क्या बना रहे हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम हो चुका है आपका ऋषिज किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन सब्जी, बहुत ही विटामिन और प्रोटीन से भरी हुई पालक, पालक और सुआ की सब्जी, एकदम सादी प्लेन और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट के साथ। तो चलो देखें किस तरह बनता है ऋषिज किचन में। तो सबसे पहले हमको ले लेनी है पालक। मैंने एक बड़ी गड्डी पालक की ली हूँ और इसको मैंने अच्छा बारीक काट कर धोकर रख ली हूँ। और मैंने इसकी पूरी डंठल निकाल दी हूँ, स्टेम जो रहता है उसका, और सिर्फ मैंने पत्ते ली हूँ और एक सुआ की भाजी ली हूँ। बस इसी के साथ हम पकाएंगे हमारी आज की रेसिपी, जिसमें बहुत ही कम चीज़ें लगने वाली है। एक प्याज बारीक कटी हुई, दो से तीन लाल मिर्च, और ये मैंने लहसुन ली हूँ और हरी मिर्ची ली हूँ। हरी मिर्ची आपके हिसाब से लेनी है, मैंने मेरे हिसाब से ली हूँ तेज़पन के हिसाब से। तो इसको अच्छे से मैंने हमदस्ते में ठेचा बना के रख दी हूँ इसका। और है ज़ीरा, बस इसके सिवा इसमें कुछ नहीं जाने वाला है और बहुत ही बेहतरीन सब्जी हमारी बनकर तैयार होने वाली है। तो चलो देखें ऋषिज किचन में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम सबसे पहला डाल देंगे तेल। दो बड़े चम्मच तेल के ले ली हूँ क्योंकि मेरी भाजी की क्वांटिटी ज़्यादा है, आपके हिसाब से तेल लेना है। उसमें हम डाल देंगे ज़ीरा, एक चम्मच भरकर जीरा डाली हूँ मैंने, और ये जो दो लाल मिर्चें हैं दो से तीन, इसको हम साबित ही ऐसे तोड़कर डाल देंगे। इसके बाद जो हमने प्याज को काटे हैं बारीक लंबा, उसको थोड़ा सा डाल देंगे। और उसको हम सॉटे करेंगे। प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे, बस इनकी किनारी ब्राउन होनी चाहिए। इतनी मज़े की भाजी बनेगी ना, एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही प्लेन भाजी समझो जिसको हम कहेंगे, सिंपल और बहुत ही बेहतरीन। इसको हमें कोई मसाले का फ्लेवर नहीं देना है क्योंकि पालक और सोआ, तो सोआ का एक अपना ही फ्लेवर रहता है जो बहुत कमाल का लगता है। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और मिर्ची का ठेचा जो हमने बना के रखे हैं, उसको हल्का सौते करेंगे। प्याज को बस हमें इतना ही ब्राउन करना है। एक मिनट के लिए बस इसको सौते कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे से, और फिर इसमें हम मिला लेंगे हमारी पालक की सब्जी। थोड़ी थोड़ी करके मिलाएंगे, भाजी हमारी ये बैठ जाएगी। उसके बाद थोड़ी और बाट में डाल देंगे, और ये सोआ, मिक्स कर लेंगे इन लोगों को अच्छे से हम। अब इसमें डाल देंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक, मैं हमारी भाजी की क्वांटिटी के हिसाब से डालूंगी, आप आपकी भाजी के हिसाब से डालना। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारी भाजी थोड़ी बैठ गई है तो हम इसमें दूसरी वाली भी डाल देंगे। इसमें चाहे तो आप आलू भी ऐड कर सकते हैं, आलू भी इसमें डाल सकते हैं आप, ऑप्शनल है।
बस इसमें अब हमें कोई भी कुछ भी मिक्स ऐड नहीं करना है, बस इसे हम स्लो पर पकाएंगे। अब हमने जैसे इसमें नमक ऐड किए हैं तो पानी अब इसका रिलीज होगा पालक की भाजी का, तो बस हमें इसको मीडियम टू स्लो गैस पे रखना है। मीडियम गैस पे रख लो और इसको हम पकाएंगे। अगर चाहे तो आप इसमें आलू एक ऐड कर सकते हैं मीडियम साइज के पीस करके, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। तो जैसे मैं आपको बता रही थी आलू ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। तो इसमें ये भी आता है कि आलू को हमें इतने बड़े पीसेस में रखना है और इसको हम डाल देंगे इस तरह से और उसको हम कम चलाएंगे, आलू को हम भाजी में टूटने बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो थोड़े बड़े पीस रखना इस तरह से और उसको अच्छे से हिला लेंगे एक मिनट के लिए और उसको ढक्कन ढक के अब पका लेंगे। आलू को बारीक नहीं काटना वरना वो भाजी के साथ अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको आलू डालना है तो इस तरह से बड़े पीस में काट के अच्छे से डालना और इस तरह हम इसको पकाएंगे। अब जैसे आप देख रहे हो पानी कितना रिलीज हो रहा है, पालक की भाजी में बहुत पानी रहता है तो हमें इसमें कोई भी पानी वानी नहीं मिलाना है, हम इसको इसी के पानी में पकाएंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। माशाल्लाह से हमारी भाजी बनकर तैयार हो चुकी है जैसे आप देख सकते हो, और आलू भी माशाल्लाह से अच्छे से गल चुके हैं। बस इसी मोमेंट पे हम हमारी भाजी को गैस को बंद कर देंगे और इसको करेंगे हम डिश आउट। तो आप भी इस तरह एक बार ज़रूर ट्राई करें, पालक सुआ की भाजी बहुत ही प्लेन और सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही टेस्ट में जायकेदार। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और सब्सक्राइब करें हमारे रुशीज किचन को। तो मैं डिश आउट करके आपको बताती हूँ। तो माशाल्लाह से बनके तैयार है हमारा पालक और सोया की भाजी, जो कि बहुत ही सिंपल बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो माशाल्लाह से आप इसे रोटियों के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा रोटी के साथ खाने में। और ये आलू और पालक हम लेंगे, और पालक तो ऐसे पालक जब बनाओगे ना तो इतनी अच्छी लगेगी ना कि पालक आप भी भर के लोगे इसे। तो बिस्मिल्लाह। और हमारा आलू और पालक दोनों अच्छे से लेंगे, तो आओ आप भी बिस्मिल्लाह कर लें। बहुत टेस्टी। तो जैसे कि ना आपने वीडियो देखा, मम्मी ने इसमें कुछ भी नहीं डाले, कोई मसाला नहीं, यहाँ तक कि हल्दी भी नहीं डाले मम्मी ने इसमें, लेकिन ये टेस्ट में इतनी कमाल की इतनी ज़बरदस्त बन रही है ना। आप यकीन कीजिए, आप जब बनाओगे ना तब आपको अंदाज़ा होगा ये कितनी बेहतरीन लगती है खाने में। और वैसे ये ट्रेडिशनल रेसिपी है ये, मतलब हमारे गांव में जब ये बनाते ना ऐसे ही बनाते हैं, इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं डालते। और गांव में जब आप ज़्यादातर खाना बनाते हैं उसमें मसाला नहीं पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल रेसिपी होती है। तो ये एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी है, इसमें हल्दी वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ लहसुन और मिर्ची है। और ये लाल मिर्च इतना अच्छा फ्लेवर दे रही है, और आपको पालक की भाजी सच में एक ऐसा फ्लेवर देगी ना, अपना खुद का एक फ्लेवर आएगा पालक का, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो खाने में। तो माशाल्लाह आप ऐसा ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। जितनी सिंपल रह गया डिश उतना वो फ्लेवर, और वो जो हमारी पत्ते की भाजी है ना उसका उतना अच्छा फ्लेवर जो इन्हांस हो जाएगा। ऐसा नहीं पूरा मसाला भर देंगे, रस रस वाला बना देंगे ना, वो मेरे को तो नहीं अच्छा लगता है। और अपना पालक और सोया का फ्लेवर भी नहीं, और सोया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है हर चीज़ में। तो आप ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाओ जैसे मम्मी ने आपको बताया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग रुशीज किचन।